नमस्कार साथियों, पीएसपी इंस्टीट्यूशन के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, प्राचीन भारतीय इतिहास की इस श्रृंखला के तहत आज हम एक बार पुनः आपके साथ में इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण स्थलों को लेकर के मिले हैं। साथियों, आज हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। उन स्थलों की खोज, उन स्थलों की महत्वपूर्ण विशेषताएं एवं इसके अलावा इसके अंदर कोई अन्य जानकारी है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो उसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। पिछले वाले वीडियो में मैंने देखा कि कुछ लोग उसमें कमेंट कर रहे थे कि मिडिवल इंडियन हिस्ट्री डायरेक्ट चालू कर दो, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि पहली बार हमने ये ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्राचीन भारतीय इतिहास की श्रृंखला को शुरू किया है, तो एक बार इसे समाप्त करेंगे और इसके बाद में हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो चालू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का यह तीसरा भाग। साथियों, पिछली वाली जो क्लास थी उसमें कंटेंट जो था वो मैंने शामिल नहीं किया था, इस वजह से वो उसकी जो साइज़ थी, मतलब वीडियो की साइज़ वो थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी हो गई थी। इसमें मैंने सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण स्थलों को लिया है और उन्हें यहाँ पैनल के माध्यम से ही मेंशन करने की कोशिश की है, आप भी समझते जाइएगा। और इसके अलावा अन्य कोई जानकारी है इसमें तो मैं इसे भी साथ साथ मेंशन करवाता रहूँगा, आप अपनी नोटबुक में इसे मेंशन करते रहिएगा, क्योंकि ये वो फैक्ट हैं जो किसी न किसी एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं। ठीक है, तो सैंदव सभ्यता के अन्य महत्वपूर्ण स्थल चन्हु दड़ो, यह स्थल जो है वो पाकिस्तान के अंदर है। आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थल ऐसे हैं जो नगरीय सभ्यता के अवशेष वहाँ से मिले हैं, जिनमें हड़प्पा, जिनमें मोहनजोदड़ो, जिनमें चन्हुदड़ो के नाम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये जो स्थान है वो पाकिस्तान के अंदर है, वर्तमान पाकिस्तान के अंदर है। जिस समय इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ स्थलों की खोज की गई थी उस समय में ये स्थान हमारे यहाँ पर थे। जब हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी तब ये स्थान हमारे भारत के अंदर ही शामिल थे, लेकिन ये वर्तमान में कहाँ पर है? पाकिस्तान में। तो चन्हुदड़ो कहाँ पर है? तो सिंधु नदी के तट पर वर्तमान में सिंध प्रांत में स्थित है, सिंधु नदी के तट पर है ये, और वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? सिंध प्रांत में स्थित है, वर्तमान में सिंध प्रांत में स्थित है। चन्हुदड़ो की खोज के संबंध में एक जानकारी और मिलती है कि 1930 और 31 में, 1930 और 31 में, इधर लिख लेते हैं, 1930 31 में एन जी मजुमदार, 1930-31 में एन जी मजुमदार द्वारा इस स्थल की खोज की गई थी। एन जी मजुमदार, एन जी मजुमदार द्वारा इस स्थल की खोज की गई थी तथा 1935 में, 1935 में ये दूसरी बार उत्खनन करवाया गया था। इसको ध्यान में रखिएगा कि ये सबसे पहले इसका उत्खनन किसके द्वारा करवाया गया? एन जी मजुमदार द्वारा। और 1935 में इसका उत्खनन करवाया था अर्नेस्ट मेके के द्वारा। अर्नेस्ट, ध्यान में रखिएगा, किसके द्वारा? अर्नेस्ट मेके, अर्नेस्ट
मेके के द्वारा इसका क्या करवाया गया था, उत्खनन करवाया गया था। साथियों, अर्नेस्ट मेके वही इतिहासकार हैं जिन्होंने मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन के संबंध में अपनी बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां देने की कोशिश की थी अपनी किताब के माध्यम से, और उस किताब का नाम था द फर्दर एक्सवेकेशन एट द मोहन जोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन करवाया था पहली बार 1922 के अंदर राखलदास बनर्जी द्वारा करवाया गया था। दूसरी बार जो करवाया था वो अर्नेस्ट मेके के द्वारा करवाया गया था, और उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था फर्दर एक्सवेकेशन एट द मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के संबंध में ये है, अर्नेस्ट मेके का नाम यहाँ पर दोबारा आया है क्योंकि इन्होंने चन्हुदड़ो की क्या की है, खोज। ठीक है, तो इनकी किताब का नाम भी हम लोग मेंशन करते हैं, किताब का नाम क्या है, द फर्दर एक्स वेकेशंस, द फर्दर एक्स वेकेशंस एट दी द फर्दर एक्स वेकेशन एट दी मोहन जोदड़ो, द फर्दर एक्स वेकेशन एट दी मोहन जोदड़ो। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, द फर्दर एक्स वेकेशन एट दी मोहन जोदड़ो। ये किताब लिखी थी किसने, किसने लिखी थी, अर्नेस्ट मेके के द्वारा लिखी गई थी, और इन्होंने 1935 में इस सभ्यता का क्या करवाया था, उत्खनन करवाया था चन्हुदड़ो का, चन्हुदड़ो नामक स्थल का प्रथम बार उत्खनन करवाया था एनजी मजुमदार, दूसरी बार अर्नेस्ट मेके के द्वारा करवाया गया। साथियों, ध्यान में रखिएगा कि जो है ये जो चन्हुदड़ो है वहां पर सिंधु घाटी सभ्यता में मणके बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं। आपसे कोई सवाल पूछ सकता है कि सिंधु सभ्यता का वह कौन सा स्थल था जहां से मणके बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो उस टाइम उत्तर क्या होगा, चन्हुदड़ो। ध्यान में रखिएगा, मणके बनाने की दुकान लिखा हुआ है इधर, मणके बनाने के कारखाने, मणके बनाने की दुकानें, इसके अवशेष हमको कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो चन्हुदड़ो से प्राप्त होते हैं। इसका जो लोकेशन है, लोकेशन कहाँ है, सिंध प्रांत के अंदर, और सिंध प्रांत वर्तमान में कहाँ पर है, ध्यान में रखिएगा, सिंध प्रांत है वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर, कहाँ पर है, पाकिस्तान में है सिंध प्रांत, और उसी सिंध प्रांत की सिंधु नदी के तट पर यह चन्हुदड़ो स्थित है ना। एक एविडेंस ऐसा मिला जब इसका पुरातात्विक अवशेषों से पता चला, पुरातत्व विद ने जब इसका अनुसंधान किया, तो अनुसंधान करने के बाद में पता चला कि बिल्ली का पीछा करता हुआ कोई कुत्ता और उसके जो पद चिन्ह है उसके अवशेष हमको यहाँ से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो दूसरा महत्वपूर्ण अवशेष कौन सा है, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पद चिन्ह, इसके अवशेष भी हमको कहाँ से मिलते हैं, चन्हुदड़ो से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा रंजक शलाका, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ध्यान रखना, मोस्ट IMP यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, मोस्ट IMP, क्योंकि रंजक शलाका को अंग्रेजी में कहा जाता है लिपस्टिक, और लिपस्टिक क्या है ये हमारी बहनों को पता है, अभी फेस्टिवल का सीजन है तो लिपस्टिक की परिभाषा बताना मेरे लिए यूं समझ लो कि ज्यादा इतना जरूरी नहीं है क्योंकि उनको सबको पता है। लिपस्टिक के प्रमाण कहाँ से प्राप्त होते हैं, चन्हुदड़ो से प्राप्त होते हैं। लिपस्टिक को रंजक शलाका कहा गया इतिहासकारों के द्वारा, क्योंकि उसको किसी ऐसा कहते हैं कि किसी जंगली पदार्थ के माध्यम से उन्होंने बनाने की कोशिश की थी, और इसके जो प्रमाण है वो कहाँ से प्राप्त होते हैं, रंजक शलाका के प्रमाण या लिपस्टिक के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं, चन्हुदड़ो से प्राप्त होते हैं। ध्यान में रखिएगा, चन्हुदड़ो से लिपस्टिक के प्रमाण प्राप्त होते हैं। साथ साथ मेंशन करते रहिएगा साथियों, साथ साथ आप भी मेंशन करते रहिएगा इसे, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता का यह एक ऐसा नगर है
जिसे औद्योगिक नगर का दर्जा दिया गया है। क्या दिया गया है? औद्योगिक नगर का दर्जा दिया गया है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक ऐसा नगर जिसे अर्बन यानी कि औद्योगिक इंडस्ट्रियल नगर की संज्ञा दी गई है। औद्योगिक नगर की क्या दी गई है? संज्ञा दी गई है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये चार पांच फैक्टर जो थे वो चन्हुदड़ों के संबंध में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थे। इसके अलावा मैंने एक और चीज मेंशन करवाई है जो नोट के अंदर मेंशन करवाई है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नोट में लिखवाया है, इसका मतलब क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर लिखा है, देखिएगा, संपूर्ण सैंधव सभ्यता में, संपूर्ण सैंधव सभ्यता में आमरी केवल एक ऐसा स्थल है जहां से ग्रामीण संस्कृति के साक्ष प्राप्त होते हैं, अर्थात झुककर व जाकर संस्कृति के अवशेष प्राप्त होते हैं। ठीक है, आमरी कहां पर है? तो ध्यान में रखिएगा, आमरी भी पाकिस्तान के अंदर है। कहां पर है? आमरी भी पाकिस्तान के अंदर है। और यह संपूर्ण सैंधव सभ्यता का एकमात्र स्थल है जहां से ग्रामीण संस्कृति के अवशेष प्राप्त होते हैं। ग्रामीण संस्कृति के अवशेष अर्थात झुककर एवं झाकर संस्कृति के अवशेष प्राप्त होते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आपको बताई थी। 1930-31 में एनजी मजूमदार के द्वारा इस सभ्यता की क्या की गई थी? खोज की गई थी, उत्खनन करवाया गया। 1935 में अर्नेस्ट मेकी के द्वारा इस सभ्यता का क्या करवाया गया? उत्खनन करवाया गया। और आपको पता होगा तो इन्होंने एक किताब लिखी थी, द फर्दर एक्सवेकेशन एट द मोहनजोदड़ो। ये बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है। और मैंने बताया था जब मोहनजोदड़ो पढ़ाया उस समय कि एनसीईआरटी फैक्ट के अनुसार अवतल चक्कियों के जो प्रमाण है वो कहाँ से प्राप्त होते हैं? इसी मोहनजोदड़ो से प्राप्त होते हैं। और इस फैक्ट को जिस किताब के माध्यम से मेंशन की करने करने की कोशिश की गई थी वो फैक्ट कौन सा था? ये द फर्दर एक्सवेकेशन एट द मोहनजोदड़ो, इस किताब के अंदर इसको मेंशन किया गया था। चलिए साथियों आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आगे क्या है? लोथल। जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें भी मैंने आपको एक चित्र बताया था, केवल आप देखते रहिए कि जैसे चन्हुदड़ो है तो ये चन्हुदड़ो का एक पिक्चर मैंने लगा रखा है। आप देखेंगे तो विजुअलाइजेशन क्रिएट रहेगा कौन सा स्थल और उसको उसका जो फोटो है वो किस तरीके का दिखता है। ये भी आप थोड़ा सा देखते रहिएगा साथ साथ, क्योंकि मैंने ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसको लगा रखा है। यहाँ पर भी मैंने लोथल का, ये गुजरात के अंदर एक स्थान है, इसका मैंने फोटो यहाँ पर लगा रखा है ना। ध्यान में रखिएगा साथियों, लोथल की जो खोज है वो 1954 में, 1954 में, ध्यान में रखिएगा, 1954, 1954 में रंगनाथ, 1954 में रंगनाथ राव, 1954 में रंगनाथ राव द्वारा इसकी खोज एवं इसका क्या करवाया गया था? उत्खनन करवाया गया था। ठीक है, उत्खनन करवाया गया था। ये अपने गुजरात के अंदर स्थित है। गुजरात की एक नदी है जिसका नाम है भोगवा नदी, इस भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और आप कहोगे तो ये जो लोथल है यहाँ से हमको गोदीबाड़ा के अवशेष मिलते हैं। गोदीबाड़ा को अंग्रेजी में डोकयार्ड बोला जाता है, डोकयार्ड को बंदरगाह भी कहा जा सकता है, और मानव निर्मित बंदरगाह के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। जरा देखिएगा, इधर इधर कहीं मेंशन कर रखा होगा कि हाँ, मानव निर्मित बंदरगाह। और बंदरगाह को क्या कहा जाता है ना, गुजरात में केम्बे की कड़ी के नजदीक भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। 1954 में रंगनाथ राव के द्वारा इसका क्या करवाया गया था? उत्खनन करवाया गया था, इसकी खोज की गई थी, है ना। मानव निर्मित बंदरगाह के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, ये सारे इसकी विशेषताएं हैं। जरा देखिएगा, मानव निर्मित बंदरगाह की क्या मिलते हैं? साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा गोदीबाड़ा के अवशेष मिलते हैं। गोदीबाड़ा को क्या बोला जाता है? डोकयार्ड। डोकयार्ड, डोकयार्ड के अवशेष मिलते हैं। डोकयार्ड को गोदीबाड़ा भी बोला जाता है ना। डोकयार्ड के अवशेष मिलते हैं। इसके अलावा चावल की भूसी के अवशेष प्राप्त होते हैं, अग्नि वेदिकाओं के अवशेष प्राप्त होते हैं। शतरंज का खेल खेला जाता था, सबसे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब मैंने बताया था कि मनोरंजन के साधन जब
हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, तो मनोरंजन के साधनों में हमने शतरंज का नाम भी लिया था, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि शतरंज के अवशेष कहाँ से मिलते हैं। तो शतरंज के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? लोथल से मिलते हैं। शतरंज के खेल के अवशेष भी प्राप्त होते हैं और तीन युगल शवादान के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। तीन युगल शवादान के अवशेष मिलते हैं। इसके अलावा खोपड़ी की शल्य चिकित्सा पद्धति जो है उसके भी अवशेष यहाँ से मिलते हैं। खोपड़ी के अंदर कुछ ऐसा किया गया जिसमें हमको ऐसा लगा कि यहाँ से शल्य चिकित्सा की पद्धति के अवशेष मिलते हैं, लेकिन ध्यान में रखिएगा एक बच्चे की खोपड़ी है जिसके अंदर 6 प्रकार की छेद किए हुए हैं, जिसको हाइड्रोशिफालिस कहा गया। क्या कहा गया? हाइड्रोशिफालिस, बच्चे की खोपड़ी, और उस बच्चे की खोपड़ी में 6 प्रकार के छेद किए गए हैं जिसे हाइड्रोशिफालिस कहा गया। और हाइड्रोशिफालिस के अवशेष हमको राजस्थान की कालीबंगा से प्राप्त होते हैं, और आज हम कालीबंगा के बारे में अध्ययन नहीं करेंगे। ध्यान में रखना, कालीबंगा के बारे में हम जब पढ़ेंगे, तब हम जब राजस्थान के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे, तब हम कालीबंगा के विषय में इसका अध्ययन करेंगे। तो इस बात का थोड़ा सा आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। मैंने बता दिया है क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन के महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में बात कर रहे हैं और शल्य चिकित्सा पद्धति की बात हो रही है, इसलिए मैंने कालीबंगा का जरूर जिक्र किया है। हाइड्रोशिफालिस के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? कालीबंगा से मिलते हैं, है ना। तो खोपड़ी की शल्य चिकित्सा द्वारा जो इलाज किया गया था वो इसके अवशेष यहाँ से मिलते हैं। ध्यान में रखिएगा, बाजरे के प्रथम प्रमाण प्राप्त होते हैं यहाँ से, चावल की भूसी के प्रथम प्रमाण, प्रथम प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? चावल की भूसी के प्रथम प्रमाण भी कहाँ से मिलते हैं? लोथल से मिलते हैं। और बाजरे के प्रथम प्रमाण यानी कि बाजरे का जो है उसका अवशेष जो है उसके प्रथम प्रमाण भी हमको कहाँ से मिलते हैं? ध्यान में रखिएगा साथियों, ये लोथल सिंधु घाटी का एकमात्र स्थल है जहां घरों के दरवाजे सड़क की ओर खुलते थे, लकड़ी के अन्नागार प्राप्त होते तथा यहाँ से फारस की मोहर प्राप्त होती है, जिससे प्रतीत होता है कि फारस एवं लोथल के मध्य व्यापारिक संबंध रहे होंगे। ठीक है, तो मैंने जब नगर नियोजन की बात की साथियों, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकांश स्थल ऐसे हैं जिनमें घरों के दरवाजे मुख्य सड़क से पीछे की ओर खुलते थे। जैसे मैंने बताया था कि हड़प्पा सभ्यता की जो सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, यानी कि 90 डिग्री एंगल पर समकोण पर काटती थी, और समकोण पर अगर काटती थी तो एक विकसित अर्बन सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट करती थी, है ना। और उन सड़कों के किनारे घर बने होते थे और उन घरों के जो दरवाजे थे वो पीछे की तरफ खुलते थे, यानी कि बैक साइड में खुलते थे, एक स्थल को छोड़ करके। और वो स्थल कौन सा है? लोथल, एकमात्र स्थल जहां घरों के जो दरवाजे थे वो मुख्य सड़क की ओर ना खुल करके पीछे की तरफ खुलते थे। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता ये कि यहाँ पर लकड़ी के अन्नागार प्राप्त हुए हैं। कल मैंने बताया था आपको कि 6-6 पंक्तियों में कुल 12 अन्नागारों की प्राप्ति हुई थी, जो सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़ी संरचना थी, है ना। वो कहाँ पर है? वो है हड़प्पा के अंदर। लेकिन लकड़ी के बने हुए अन्नागार की प्राप्ति कहाँ से प्राप्त होती है, कहाँ से होती है? तो इसका उत्तर क्या होगा? लोथल, यहां से लकड़ी के अन्नागार की प्राप्ति होती है। दूसरा, एक फारस की मोहर मिली। आप जरा सोचिए कि इंटरनेशनल ट्रेडिंग या अंतरराष्ट्रीय व्यापार की शुरुआत 4,000 साल पहले हो गई, कैसे? तो यहां पर जो फारस की मोहर मिली उस फारस की मोहर से पता चलता है कि इनका जो संबंध था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का, उनका जो संबंध था वो किससे था? फारस के लोगों के साथ में था। संबंध किस प्रकार का रहा होगा? तो व्यापारिक संबंध रहा होगा, ये एक दूसरे के साथ में व्यापार करते होंगे। इसका सबसे बड़ा साक्ष्य हमको कहाँ से मिलता है? इस फारस की मोहर से प्राप्त होता है। ध्यान में रखिएगा इस बात को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या क्या देखा हम लोगों ने?
1954 में, ये एक्सटर्नल जानकारी है, ये मेंशन नहीं किया था मैंने, 1954 में रंगनाथ राव के द्वारा इसका क्या करवाया गया था, उत्खनन गुजरात के केम्बे की कड़ी के नजदीक भोगवा नदी के किनारे स्थित है ना। मानव निर्मित बंदरगाह के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, गोदीबाड़ा के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, चावल की भूसी के प्रथम साक्ष्य प्राप्त होते हैं, अग्निवेदिकाएं प्राप्त होती है, शतरंज का खेल इंपोर्टेंट, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, शतरंज का खेल, तीन युगल समाधान के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, खोपड़ी समाधान लिखा है, ध्यान रखिएगा ये समाधान गलत लिखा हुआ है, शवादान के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, खोपड़ी की शल्य चिकित्सा पद्धति के अवशेष प्राप्त होते हैं और बाजरे के प्रथम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा ये क्या लिखा हुआ है, समाधान लिखा है नहीं है, ये शवादान लिखा हुआ है, क्या लिखा है, शवादान, क्योंकि आपको मैंने बताया है ऑफलाइन क्लास के अंतर्गत कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया थी, जिसको हम लोग शवादान भी कहते हैं, ये शवादान तीन तरीके से होता था, इसको भी अगर समझना हो तो समझ लीजिए इसी क्लास के माध्यम से, तीन तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता का शवादान होता था। ठीक है, नंबर एक, नंबर दो और नंबर तीन। पहला जो था, जिसको हम लोग कहते हैं पूर्ण समाधिकरण, क्या था, पूर्ण समाधिकरण। दूसरा जो था उसका नाम था आंशिक, आंशिक समाधि करण, आंशिक समाधिकरण। और तीसरा जो है इसका नाम है कलश, कलश समाधि करण, कलश समाधि करण, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण, ये समाधान की शवादान, समाधान लिखा है, ये शवादान लिखा है। ठीक है, तो ये तीन प्रकार का होता था, है ना। पूर्ण समाधिकरण किसे कहते थे, जिसमें मृतक देह को, जो मर गया है उसके देह को पूर्ण रूप से शरीर में दफना, जमीन में दफना दिया जाता था, पृथ्वी के अंदर या धरातल में दफना दिया जाता था, उसे पूर्ण शवादान कहते थे। इसके अलावा आंशिक समाधान समाधिकरण में क्या होता था, तो इसके अंतर्गत जो मृतक देह था, मृतक व्यक्ति का जो शरीर था, उसे पशु पक्षियों के खाने के लिए छोड़ दिया जाता था, क्योंकि हो सकता है उसके अंदर कोई दया भावना हो, तो पशु पक्षियों के खाने के बाद में जो बचा कुचा भाग है उसे जमीन के अंदर दफना दिया जाता था, तो ये आंशिक समाधिकरण था। और अंतिम जो है उसका नाम है कलश समाधिकरण, और उसमें क्या होता था कि मृतक देह को पशु पक्षियों के खाने के लिए छोड़ दिया जाता, उसे पूर्ण रूप से खा लेते और उसका जो बचा हुआ भाग है उसे कलश में भरकर फिर जमीन के अंदर दफना दिया जाता, तो ये क्या था, कलश समाधिकरण। तो ये तीन कॉन्सेप्ट जो अलग हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक स्थिति को रिप्रेजेंट करते हैं, जरा इसे ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा, तो ये तीन युगल समाधान के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, अपने सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थान है पंजाब के अंदर जिसका नाम है रोपड़। रोपड़ पंजाब एक ऐसा स्थान है जहां पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, युगल शवादान के अवशेष तो कहां से मिलते हैं, लोथल से, लेकिन मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के प्रथम साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं, कौन से सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल से प्राप्त होते हैं, तो रोपड़ से प्राप्त होते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा साथियों, अगर आपसे कोई पूछे कि मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य किस मध्यपाषाण कालीन स्थल से प्राप्त होते हैं, तो क्या जवाब होगा, मध्यपाषाण कालीन स्थल, नवपाषाण कालीन, मध्यपाषाण कालीन और पूर्व पाषाण, ये स्थल अलग अलग है सारे सारे, तो किस पाषाण कालीन स्थल से प्राप्त होते हैं, तो जवाब क्या होगा, बुरजोहोम, जम्मू कश्मीर। ये जम्मू कश्मीर का एक स्थान है जिसका नाम है बुरजोहोम, और यहां से हमको मानव से, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, लेकिन वह स्थल कौन सा है, पाषाणकालीन स्थल है। यहां पर अगर सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल की बात होगी तो कौन सा स्थल होगा, रोपड़ पंजाब, रोपड़ पंजाब, जहां से हमको मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तीन युगल शवादान के साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं, लोथल से। ठीक है, खोपड़ी की शल्य चिकित्सा पद्धति के साक्ष्य, बाजरे के प्रथम साक्ष्य,
सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल जहां घरों के दरवाजे सड़क की ओर नहीं खुल सड़क की ओर खुलते थे, यानी कि सड़क के पीछे की तरफ नहीं खुल करके सड़क की मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। लकड़ी के अन्नागार की प्राप्ति हुई तथा यहाँ से एक फारस की मोहर मिली है, जिससे प्रतीत प्रतीत होता है कि फारस एवं लोथल के मध्य क्या होती थी, ट्रेडिंग या व्यापार होता था। इससे आगे बढ़िए, है ना। चलिए, धोलावीरा, धोलावीरा के बारे में जरा समझ लीजिए। धोलावीरा क्या है? गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है, ठीक है। 1961 से 68 के बीच में, 1961 से 68 के बीच इसका जो उत्खनन करवाया था वो R.S. बिष्ट के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा? सॉरी, जगपति जोशी के द्वारा करवाया गया था। जगपति जोशी, जगपति जोशी के द्वारा इसका क्या करवाया गया था। ये पैनल जरा सी ऊंचाई पर है, इसकी वजह से ये सही ढंग से लिखा नहीं जा रहा है, आप देख लीजिएगा। 61 से 68 के बीच में जगपति जोशी के द्वारा इस स्थल का क्या करवाया गया था, उत्खनन करवाया गया। गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है, ठीक है। और इसका जो स्थानीय नाम है वो क्या है, कोटड़ी टिब्बा। क्या नाम है? कोटड़ी टिब्बा, ये यहाँ का स्थानीय नाम है। साथियों, इधर लिख दिया है मैंने, इसको मैं व्यवस्थित लिख लेता हूँ, इधर नीचे की तरफ, इधर लिख लेता हूँ नीचे की तरफ। क्या नाम है इसका? कोटड़ी टिब्बा। ये टेक्निकल एरर हो रहा है थोड़ा सा। कोटड़ी टिब्बा, ठीक है, समझ जाइएगा, कोटड़ी टिब्बा। साथियों, 26 जनवरी 2001 को गुजरात के कच्छ में भूकंप आया। भूकंप आया इससे पहले यहाँ पर एक बहुत बड़ा गांव बसा हुआ था, ठीक है, और भूकंप आने के बाद में वो पूरा गांव पूरी तरीके से खत्म हो गया। इसके बाद यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। तो 2001, 26 जनवरी 2001 के भूकंप से पहले एक गांव था, और ये क्या नाम था उसका, स्थानीय नाम कोटड़ी टिब्बा। और ध्यान में रखना, ये जो स्थान है वो गुजरात की भचाऊ तहसील, भचाऊ तालुका के अंतर्गत आता है। भचाऊ तालुका, क्योंकि हमारे यहाँ पर तहसील कहते हैं, गुजरात में इसे तालुका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तालुका। गुजरात में क्या बोलते हैं? तालुका। तो ये भचाऊ तालुका के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र है, और ये स्थान जिस नदियों के किनारे, उन नदियों का नाम है मानसर, मानहर और मानसर नदी। मानहर और मानसर नदी के किनारे यह स्थान स्थित, ध्यान में रखिएगा। तो एक बात बताई मैंने कि 1961 और 1968 में जगपति जोशी के द्वारा इसका उत्खनन करवाया गया था। साथियों, एक प्रश्न खड़ा होता है कि क्या दूसरी बार इस स्थल का उत्खनन किसी के द्वारा करवाया गया था? ये धोलावीरा का पिक्चर है, जरा देखिएगा। 1991, ध्यान में रखिएगा, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट तिथि बता रहा हूं मैं आपको। 1991 में रविंद्र सिंह बिष्ट, मैं R.S. बिष्ट लिखता हूं, इधर देखिएगा, रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा इस स्थल का उत्खनन करवाया गया था दूसरी बार। कब करवाया गया? दूसरी बार, ध्यान रखिएगा, 1991। आप देखिएगा, PV नरसिम्हा राव की सरकार है इस समय देश के अंदर,
इस समय में एक बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम भी पारित किया गया था, जिस अधिनियम का नाम था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, है ना, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में। इसी समय में ध्यान में रखिएगा, आरएस बिष्ट के द्वारा इस धोलावीरा का दूसरी बार क्या करवाया गया, उत्खनन करवाया। ठीक है, यहां से हमको सूचना पढ़ के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, है ना। ये जहां जहां पर भी मैं आपको इंपोर्टेंट कर रहा हूं उसको मेंशन करते रहिएगा, आईएमपी यानी कि इंपोर्टेंट, है ना, देख लीजिए, इंपोर्टेंट चीज है ये। इंपोर्टेंट है, सूचना पट के साक्ष्य हमको कहां से प्राप्त होते हैं, धोलावीरा से। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे सुंदर नगर है, क्या है, सबसे सुंदर नगर कौन सा है, धोलावीरा। 16 जलाशयों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, इंपोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान रखिएगा, 16 जलाशयों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। एक बार प्रश्न पूछा गया, 16 होला कोई फिगर नहीं दे रखा था, केवल प्रश्न पूछा गया कि जलाशयों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जलाशय के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, ध्यान में रखना वह स्थान कौन सा है, धोलावीरा। एकमात्र स्थल जो तीन भागों में विभाजित है, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखने का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, कि सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल जो तीन भागों में विभाजित है, बाकी सब कितने भागों में थे, दो भागों में। हड़प्पा कितने भागों में था, दो भागों में था। मोहनजोदड़ो कितने भागों में था, दो भागों में, एक पूर्वी टीला एक पश्चिमी टीला, पूर्वी टीले को नगर टीला, पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला, ये कहा गया। ठीक है, लेकिन ये कितने भागों में था, तीन भागों में विभाजित था, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक और अन्य फैक्ट है, ध्यान में रखिएगा, राखी गढ़ी एवं धोलावीरा भारत में खोजे गए सबसे बड़े स्थल है। अगर संपूर्ण सिंधु सभ्यता के सबसे बड़े स्थलों की बात करेंगे तो उत्तर क्या होगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, पर ये कहां पर है वर्तमान में, पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान की बात हो नहीं रही है। लेकिन अगर भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सबसे बड़े स्थल कौन से हैं, तो ध्यान रखिएगा, राखी गढ़ी और बनावली, ये दोनों स्थान कहां पर है, हरियाणा में। राखी गढ़ी कहां पर है, हरियाणा में, राखी गढ़ी कहां है, हरियाणा, और धोलावीरा कहाँ है, गुजरात के अंतर्गत। ठीक है, एक नोट के अंदर एक बात मेंशन करवाइए, जरा ध्यान रखिएगा, धोलावीरा को यूनेस्को द्वारा 40 वे स्थल के रूप में, मैं लिखा है इधर, वे लिख देते हैं इसको, धोलावीरा को यूनेस्को द्वारा 40वें स्थल के रूप में विश्व विरासत सूची के अंदर शामिल किया गया है। ठीक है, इसे यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को, जो पूरे विश्व के अंदर जितने भी सांस्कृतिक धरोहर है, जितने भी सांस्कृतिक आर्किटेक्चर है, जो अपने स्पेशलाइजेशन के कारण बहुत ज्यादा इंपोर्टेंसी रखते हैं, ऐसे स्थलों को यह अपनी विश्व धरोहर सूची के अंतर्गत शामिल करता है। तो यूनेस्को ने धोलावीरा को भी अपनी 40वीं विश्व विरासत सूची के रूप में इसे क्या किया है, शामिल किया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको 40वें स्थल के रूप में विश्व विरासत सूची के अंतर्गत शामिल किया गया है। ठीक है, ये धोलावीरा के बारे में सारी सारी इंपॉर्टेंट बात हो गई, है ना। देख लेते हैं एक बार, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, है ना, स्थलों के बारे में मैंने कहा था, तीन स्थलों के बारे में देखेंगे। एक तो चन्हुदड़ो, चन्हुदड़ो का उत्खनन सबसे पहली बार किसके द्वारा करवाया गया, दूसरी बार किसके द्वारा करवाया गया। इसके अलावा चन्हुदड़ो की सारी विशेषताएं, एक एक करके सारी विशेषताओं को हमने देखने की कोशिश की। इसके बाद में इसके बारे में कोई महत्वपूर्ण तथ्य है तो ये जानने का प्रयास किया। दूसरा जो स्थल था लोथल, लोथल का उत्खनन किसके द्वारा करवाया गया, यह कहाँ पर स्थित है, इसके अलावा इसके जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं उसको हमने देखने की कोशिश की। और कोई ऐसा फैक्ट है जो इसके बारे में ज्यादा इंपोर्टेंसी रखता है तो वो भी हमने जानने का प्रयास किया है। और अंतिम जो शहर हमने देखा है वो है धोलावीरा, और धोलावीरा के बारे में भी हमने सारी महत्वपूर्ण बातें को जानने का प्रयास किया। साथियों, एक बात ध्यान रखिएगा कि हमने कुछ स्थल हैं जो छोड़ दिए हैं, बहुत सारे महत्वपूर्ण स्थल हैं इसके अलावा भी जो हमने छोड़े हैं,
इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म में एक कालीबंगा छोड़ा। ये कालीबंगा छोड़ने का रीज़न मैं पहले बता चुका हूँ, क्योंकि इसे हम राजस्थान के इतिहास के संदर्भ में पढ़ेंगे। बाकी के जो स्थल है वो हम PSP इंस्टीट्यूशन के टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, एक PDF के माध्यम से हम संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता के एक नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे, जिसके अंदर उसे मेंशन किया जाएगा, क्योंकि यह सिंधु घाटी सभ्यता की अंतिम क्लास है। इसके बाद में हम वैदिक सभ्यता के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है? क्योंकि आप जरा सोचिए कि ये ऐसी सभ्यता है जिसके बारे में हजारों पेज के अंदर थीसिस लिखी जा चुकी है, तो हम एक क्लास के माध्यम से सिविलाइजेशन के बारे में नहीं समझ सकते हैं। इसलिए इन 3 वीडियो के माध्यम से सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में सारी महत्वपूर्ण जानकारियों को मैंने देने की कोशिश की। अगली क्लास में हम आपको एक नए चैप्टर के साथ में मिलेंगे, जिसका नाम है वैदिक सिविलाइजेशन। वो भी प्राचीन भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु है, और इसे हम बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ में, रिकग्निशन के साथ में, पोटेंशियल के साथ इसे पढ़ने का कोशिश करेंगे। साथियों, आपसे आशा है कि आप निरंतर अध्ययन कर रहे होंगे और अपना अध्ययन जारी होगा, ठीक है? और फेस्टिवल का भी आनंद लेते रहे होंगे, लेकिन पढ़ाई बिल्कुल निरंतर रूप से जारी रखनी है, ठीक है? आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।